ऐसा लग रहा था फिल्म चल रही है यार, क्या बात है। नेहा क्या कहेंगे? बाप रे, पहले तो उदित जी के लिए जोरदार तालियां एवरीवन। बाप रे। एंड अथर्व, ये समा जो आपने क्रिएट कर दिया है ना, ये वाइब्रेशंस, ये माहौल, ये इतना वाओ। वो जो दूध धुले मासूम कल, आए हाय 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 हाय, गाना जरा गाना। वो जो दूध धुले मासूम कल, वो है कहाँ कहाँ है, वो रोशनी कहते हुए कि अथर्व आपने भूकंप मचा दिया।
क्या कहेंगे सुपर जज नेहा, हम सब पागल हो रहे थे, पागल। थैंक यू सो मच। जिसको भी सिंगिंग की समझ है ना, वो तो अभी यहाँ पे बैठ के शॉक में होगा कि कोई इतना परफेक्शन से भी गा सकता है। खुशी। थैंक यू सो मच मैम। वाओ। मेरे पास कोई शब्द नहीं है, पूरा नाद से गाया है आपने। थैंक यू सो मच सर। और सबसे अच्छी बात बताऊं, सिंगिंग के साथ साथ माइक को कैसे पकड़ना है, कितना दूर ले जाना है, कहाँ नजदीक लाना है। थैंक यू सो मच सर। अगर सिंगर को ये पता चल जाए ना किस गाने को, किस लाइन को कितना मैं नजदीक आऊं माइक के और कितना मैं माइक को दूर रखूं, ये भी बहुत बड़ी कला है। तो ये चीज भी आपके अंदर मैंने देखा। थैंक यू सो मच सर। खुशी सुपरस्टार सिंगर्स की विनर हो सकती है। थैंक यू सर। क्या बात है, जोरदार तालियां हो जाए। थैंक यू सर। थैंक यू सो मच। आज पहली बार मुझे भूकंप कम लग रहा है इस चीज के लिए। तो खुशी आपने भूकंप मचा दिया। चाहे तुम कुछ ना कहो मैंने सुन लिया के साथ प्यार का मुझे चुन लिया मैंने सुन लिया। पहला नशा पहला खुमार नया प्यार है नया इंतजार कर लूं मैं क्या अपना हाल ऐ दिल बेकरार मेरे दिल बेकरार तू ही बता। पहला नशा पहला खुमार
मिटाऊं मैं कहीं एक कर दूं आसमां और जमीन। कहो यारो क्या करूं क्या नहीं। पहला नशा पहला खुमार, नया प्यार है नया इंतजार। कर लूं मैं क्या अपना हाल, है दिले बेकरार मेरे दिले बेकरार। तू ही बता तू ही बता तू ही बता। थैंक यू सो मच एवरीवन। क्या बात है, हीरो की आवाज। एक हीरो की आवाज से ही पूछते हैं। सर कैसा लगा? मैं खो गया था। मैंने सुना था कि ये करण जौहर साहब, उन्होंने आपको कॉम्प्लीमेंट्स दिया, तुम कल के आवाज हो, तो उसमें कोई दो राय नहीं। करण जौहर साहब के साथ मुझे भी काम करने का सौभाग्य प्राप्त हुआ और एक से एक फिल्मों में उन्होंने गवाया। जब भी मैं जाता था उनका गाना गाने के लिए, तो अक्सर पिंक शर्ट में पहना हुआ करता था। तो वो एक दिन सवाल किया उन्होंने मुझे कि हमेशा मेरे गाने में तुम पिंक शर्ट पहन के आते हो, बड़ा लकी है क्या? मैं बोला बिल्कुल लकी है, ये पिंक शर्ट मेरे लिए। सर मुझे एक बात बोलनी है, जो भी एक्सपीरियंस है आपका, जो आप शेयर करते हैं, चाहे आपने रहमान साहब की बात की, चाहे आपने करण जौहर सर की बात की, ऑफ कोर्स वो सब बड़े हैं, बट आप खुद को ऐसे बात करते हैं जैसे आप न्यू कमर हैं। और सर सुपरस्टार है ना, उदित नारायण है, पद्म भूषण, वो ऐसे बात कर रहे हैं। हाँ मैम मैं तो हैरान हूँ, कोई एटीट्यूड है ही नहीं। ब्यूटीफुल सर, बहुत सही कहा यार। कभी नहीं बोला कि मैंने गाना गाया, हमेशा कहा उन्होंने मुझसे गवाया। क्या बात है, चुप आपने भूखा मचा दिया। For more updates, subscribe to our channel, click the show links and enjoy watching the videos.